जी हाँ दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट में हम आप सब के बीच बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर तो बनाई है, साथ ही साथ उन्होंने मिसाल भी कायम किया एक बेहतरीन माँ के तौर पर, सास के तौर पर। चलिए हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं डिंपल कपाड़िया के बारे में। डिंपल कपाड़िया के जन्मदिन के मौके पर आज हम उनसे जुड़े ये राज खोलने जा रहे हैं। यह आप सबको मालूम है, स्टार्स मीडिया के सामने अपने परिवार के बारे में बात करने से कभी जब हिचकिचाया करते थे, उस दौर में डिंपल कपाड़िया बेझिझक बातें करती थी। यह आपको मालूम है, कुछ सालों पहले जस डिंपल कपाड़िया के साथ बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल की लीक्ड फोटो की हुई थी चर्चा। विदेश में दोनों को सीक्रेटली साथ बैठे देखा गया था। चर्चाएं ये थी वायरल तस्वीरों को लेकर। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सनी देओल के साथ डिंपल कपाड़िया का रिश्ता सालों तक सुर्खियों में रहा। बॉलीवुड अच्छी तरह से वाकिफ है सनी और डिंपल के रिश्ते से। इनकी लव स्टोरी को पिछले काफ़ी समय से मशहूर होते देखा गया, लेकिन सनी जो काफ़ी रिजर्व एक्टर रहे। गौर करने वाली बात ये थी, कभी मीडिया के सामने अपनी पत्नी पूजा के बारे में बात नहीं करने वाले सनी ने पब्लिक प्लेस पर उनके साथ कभी नहीं आना चाहा, लेकिन अब वो आते हैं पूजा के साथ खुलकर लोगों के सामने। बेटे की शादी के मौके पर तो ये सब ने देखा था। क्या आपको मालूम है, जब वो अपनी पत्नी के बारे में, शादीशुदा जिंदगी के बारे में सबसे छुपा बैठे थे राज, तब डिंपल कपाड़िया के साथ उनके अफेयर के खूब होते थे चर्चे। 1984 में सनी और उन पूजा की शादी हुई थी और उसके बाद दो बेटे का जन्म हुआ। चलिए, डिंपल कपाड़िया की बात हो रही है तो हम आपको डिंपल के बारे में ज़्यादा बताते हैं। डिंपल कपाड़िया, जिन्होंने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी रचाई। 16 की उम्र में शादी रचाने के बाद 17 की उम्र में पहली बार मां बनी डिंपल कपाड़िया ट्विंकल खन्ना की। दूसरी बेटी रिंकी का भी जन्म हुआ, लेकिन इस परफेक्ट मैरिड लाइफ को वाकई में किसी की नज़र लग गई थी, कहना गलत नहीं होगा। तभी तो डिंपल और राजेश शादी के कुछ साल तक ही साथ रहे और फिर ये अलग हो गए। अलग इस तरह हुए कि सालों अलग होने के बावजूद इनका तलाक नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने कभी दूसरी शादी के बारे में भी ख्याल नहीं किया और ना तलाक लिया, ना दूसरी शादी की दोनों में से किसी ने, और ना ही दोनों साथ आए। राजेश खन्ना के अंतिम समय में, जब वो कैंसर से ग्रसित थी, जब उनकी ज़िंदगी काफ़ी कम दिनों की रह गई थी, तब डिंपल वापस अपने पति के पास लौटी थी। उनके दुख भरे स्थिति में उनका साथ देने आई थी। तब उनका रिश्ता सुधरा, लेकिन वक्त इतना निकल चुका था कि उम्र के ऐसे पड़ाव पर इनका रिश्ता सुधरा भी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सनी और डिंपल के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, डिंपल और सनी का नाम तब जुड़ने लगा था जब डिंपल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया था। अपनी दोनों ही बेटियों के साथ पति से अलग रह रही थी डिंपल, और बॉलीवुड से जिस करियर को ब्रेक लगा दिया था उन्होंने 17 की उम्र में, उस करियर को फिर से नई उड़ान भरने के लिए डिंपल ने कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में। काफ़ी देर हुई थी, लेकिन डिंपल ने फिर भी नाम कमाया। यह आप सबको मालूम है, रिपोर्ट्स कहते थे कि डिंपल की एक हाथ में सीक्रेट तो दूसरे हाथ में सनी का हाथ थामा हुआ हमेशा नज़र आता था। वायरल वीडियो की चर्चा काफ़ी हुई थी वो कुछ दिनों पहले, और इसके बाद कुछ करीबियों ने उनके रिश्ते का सच बताया था कि ये सब झूठ है। ये कहा जाता है कि सनी डिंपल के साथ तब थे जब राजेश डिंपल के साथ नहीं थे। 11 साल तक दोनों का रिश्ता चला था, दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन फिर बात नहीं बन पाई थी। आज हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि डिंपल को अपने दूसरे प्यार से, सनी से भी धोखा मिला था। रवीना टंडन इनके बीच आ गई थी, ये कहा जाता है।
एक जमाने में तो डिंपल कपाड़िया की दोनों बेटियां सनी देओल को छोटे पापा कहकर पुकारा करती थी दोस्तों, ऐसा था डिंपल और सनी का रिश्ता। लेकिन राजेश खन्ना के साथ वो रिश्ता क्यों टूटा डिंपल का, क्यों राजेश और डिंपल के बीच का प्यार हमेशा के लिए गुम हो गया था। जी हाँ, डिंपल जो अपने यहाँ पर आज भी अपने पति के सम्मान के लिए बात करती हैं, वो डिंपल कभी राजेश खन्ना से काफ़ी नाराज़ थी। कहा जाता है कि दोनों की नाराज़गी के पीछे कारण बड़ा था। राजेश से शादी के बाद डिंपल ने अपनी खुद की पहचान खो दी थी, और कहा जाता है जब डिंपल ने राजेश का घर छोड़ा था, शादीशुदा जिंदगी को त्याग दिया था, तब राजेश खन्ना की जिंदगी में उनकी मोहब्बत अंजू लौट आई थी और अंजू के साथ उनके रिश्ते काफ़ी मजबूत हो गए थे। क्या आप सबको ये मालूम है कि राजेश खन्ना के लिए डिंपल कभी ऐसे भी लड़ चुकी थी कि राजेश जब कांग्रेस से जुड़े थे तब डिंपल ने कहा था कि एक मार्ग का नाम उनके नाम पर रखा जाए, मेरी ये विनती है, संभव हो तो कार्टर रोड का नाम राजेश खन्ना के नाम पर कर दिया जाए। इस तरह उनकी आवाज़ उठी थी अपने पति के लिए। सोचिए कितना प्यार होगा डिंपल के मन में राजेश खन्ना के लिए। ऐसा था दोनों का रिश्ता दोस्तों। हमारी इस रिपोर्ट में डिंपल के बारे में एक और ख़ास बात आपको बताना चाहेंगे। पति से वो अलग हुई थी लेकिन वो चाहती नहीं थी पति से अलग होना। जी हाँ, ये आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। कभी डिंपल कपाड़िया के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ राजेश खन्ना की जो अलग पार्टनर अंजू थी वो कोर्ट तक चली गई थी। जी हाँ, लव लाइफ की बात करें तो राजेश खन्ना की ज़िंदगी में अनीता आडवाणी का भी नाम दर्ज हुआ, जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डिंपल कपाड़िया के खिलाफ दर्ज कराया था। डिंपल ही नहीं बल्कि अक्षय, ट्विंकल, रिंकी के खिलाफ भी बांद्रा कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। ये मामला काफ़ी बुरी तरीके से सामने आया था। खैर, यहाँ आपको बता दें वो राजेश खन्ना की लिविंग पार्टनर कहलाती थी। चलिए हमारे इस रिपोर्ट में ये बता दें एक बार फिर से कि राजेश खन्ना के चले जाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा उनका रिश्ता उलझा था। खैर, यहाँ पर बात हो रही है ख़ास तौर पर अगर राजेश खन्ना के बारे में, तो हमारे इस रिपोर्ट में आप सबको ये बताना चाहेंगे राजेश खन्ना अपनी पत्नी डिंपल के जाने के बावजूद डिंपल को इतना मिस नहीं करते थे, क्योंकि डिंपल कपाड़िया अपनी बेटियों को ज़िंदगी को संवारने में व्यस्त थी, तो वहीं डिंपल कपाड़िया के पति राजेश अपनी लेडी लव के साथ अपनी ज़िंदगी अनीता के साथ बेहतरीन तरीके से गुजार रहे थे। ये आपको साथ ही साथ बताते चले, 27 साल डिंपल ने राजेश से अलग रहने का फैसला लिया लेकिन इसके बावजूद इन्होंने तलाक नहीं लिया था। ये आपको बता दें कि बॉबी फिल्म से डेब्यू करने वाली डिंपल कपाड़िया उस वक्त के बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना, जो कि उनसे उम्र में दोगुनी उम्र के थे, उनसे शादी तो रचाई, 32 साल के थे राजेश तो 16 साल की थी डिंपल, इनका तलाक नहीं हुआ। कहा जाता है कि 11 साल तक डिंपल फिल्मी इंडस्ट्री से दूर रही थी बेटियों के जन्म के बाद, राजेश से शादी के बाद, लेकिन फिल्मों में वो काम करना चाहती थी और काका यानी कि राजेश इस बात से ही डिंपल से खफा थे, जिसके कारण दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया था। लेकिन इसके अलावा कोई और वजह नहीं थी, इसलिए दोनों ने कभी भी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया।